भिवानी पहुंचे सांसद दुष्यंत चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा और राहुल हरियाणा से चुनाव लड़े तो बच्चा पार्टी उनकी जमानत जब्त करेगी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर अपने व्यापारी साथियों के लिए कानून में संशोधन करने का आरोप लगाया। प्रयास किया था कि जिन गांव में पानी की समस्या है उन ग्राम पंचायतों में एमपीलैंड से पानी की व्यवस्था, चाहे वो कोई त्यौहार हो, चाहे कोई टूर्नामेंट हो, चाहे कोई धार्मिक फंक्शन हो, वहाँ किराए पे पानी के लिए टैंकर ना लाना पड़े व्यवस्था बनाई। और 250 से ऊपर गांव के अंदर मैं कामयाब रहा कि एमपीलैंड से पानी के टैंकर का काम। आज उसी प्रक्रिया के अंदर भवानीखेड़ा लिखे गए 9 गांव ने चिन्हित किए थे, उनको आज टैंकर हुआ है। लगभग भवानीखेड़ा लिखे गए जितने ऐसे गांव थे जहां पानी की किल्लत को रिकवर करने का प्रयास। लगभग कितनी लागत लगभग इस सारे प्रोजेक्ट पे लगाई? मेरे ख्याल से 2.5 से 3 करोड़ के बीच में इन पानी के टैंकरों पर लागत लगी है। मगर आज खुशी होती है जिन गाँव में आज से 3-4 साल पहले पानी के टैंकर गए थे, आज उन गाँव के लोगों को बड़ा उत्साह है और वो सारे आकर इस चीज़ के लिए हम भी धन्यवाद करते हैं कि एक ऐसी शुरुआत जिसने उनके गांव में बहुत सुविधा के जी। आम आदमी पार्टी के साथ आपकी बात चल रही थी, कांग्रेस ने नहीं चलाई, लेकिन कांग्रेस की बात सिरे नहीं चली तो क्या दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करेंगे? जहाँ हमारे चर्चाओं के बारे में पहले दिन स्पष्ट किया था कि मैं 3 सदस्य कमेटी का मेंबर नहीं, हमने राष्ट्रीय लेवल पर 3 सदस्य कमेटी को निर्धारित किया था जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए ऑथराइज थी और आने वाले समय के अंदर हमारी दोबारा उस कमेटी के साथ और लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठेंगे। अगर इस पर कोई चर्चा होती, इस पर कोई पॉजिटिविटी होती तभी हम आगे बढ़ें। तो जिस प्रकार से टिप्पणियाँ करी जा रही, जिस प्रकार से टीवी पे आकर बातें कही जा रही है कि इतनी मांग रखी गई, मैंने तो पहले दिन कहा अगर राष्ट्रहित की बात है, राष्ट्र निर्माण के लिए बदलाव की बात है, जरूर सबको त्यागना पड़ेगा, ताली एक हाथ से तो बचती है। नेगोशिएशन क्या संभावना है? मैं कमेटी का मेंबर भी हूँ तो आपको इस नंबर की एक भाई साहब बीजेपी दावा कर रहे हैं कि वो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगी। दावा तो और महीने की बात है, तो इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन डेट हमारे सामने लाए और हम इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करें। मगर अगर परिस्थितियाँ जैसी आज के दिन है वैसी रही, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में हम खाता नहीं खोलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बात को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी करे भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से पारदर्शिता दिखाई है पब्लिक में। भारतीय जनता पार्टी नौकरियों को पारदर्शी कहने की बात करती है तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि जुडिशरी का एग्जाम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लीक हुआ। और ये कोई मेरा किया हुआ दावा नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामला है जिसके अंदर इनके सेक्रेटरीज तक इन्वॉल्व हुए। अगर इस तरह की चीज़ें रही तो किस चीज़ की पारदर्शिता की बात करें? जहाँ इंटरव्यू की समाप्ति की बात है वो एक अलग जॉब प्रोफाइल है। अगर आज प्रदेश के जो हालात हैं, जो लोग पारदर्शी नौकरी देने की बात करते हैं, उनसे पूछिए कि आप तो दावा करते थे 1.25 लाख नौकरियाँ हर वर्ष देने का, 5 साल में वो 40,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। ये अपने आप में दर्शाता है कि केवल मात्र ढोल ढोल बजा कर अपना राग तो जरूर गाने का काम करें, जनहित के लिए, जन भावनाओं के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाने का काम। वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टियों को लेटर लिखा कि वो चुनाव में सैनिकों के फोटो न लगाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक पत्र लिखा था जब विंग कमांडर अभिनंदन वाला वाक्य हुआ था और बीजेपी के लोगों ने उनके पोस्टर लगा के यात्राएं निकालने का काम किया। हमें गर्व है हमारे सैनिकों पर, पर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने के बजाय हमारी सेना पर राजनीति करने का काम कर रही है। हमें तो गर्व है कि हम हरियाणा की धरती से आते हैं जिस धरती से हर 10वां सैनिक आता है। हमें गर्व है उन माताओं पर जो अपने बेटों को निडर होकर देश की सेवा में भेजने का काम करें। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि अब समय आ चुका है तो केवल मात्र ये राग गा के राष्ट्रीय हित का अपने राज्य नहीं बढ़ा सकती, आज विकास की भी बात करनी पड़ेगी, युवाओं के रोजगार की भी बात करनी पड़ेगी, महिलाओं की सुरक्षा की भी बात करनी पड़ेगी। जेजेपी पार्टी को बच्चा पार्टी कहा है, अगर बच्चा पार्टी कहा है तो अशोक तंवर से पूछ, राहुल गांधी की पूरी टीम
जींद के अंदर थी, फिर क्यों उनके कैंडिडेट की केवल मात्र 800 वोटों से जमानत बची। मैं तो आज खुला चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी को, हरियाणा की धरती से चुनाव लड़ाओ, ये बच्चा पार्टी राहुल गांधी की भी जमानत जब्त कर। जमीनों को लेकर के जो प्रस्ताव पास किए गए हैं वर्तमान हरियाणा सरकार द्वारा, तो उसमें काफ़ी अनियमितताओं की बात आ रही है। देखिए, जहाँ PLPA की बात थी या कल जिस प्रकार से परसों कैबिनेट के अंदर दो बिल पारित करेंगे, ये दर्शाता है कि हरियाणा सरकार प्रोफेशनल लूटिंग एजेंसी बनकर कानूनों में संशोधन लाकर अपने बड़े बड़े व्यापारी साथियों को फायदा पहुँचाना चाह रही है। मगर अब जितने हमारे वोटर हैं वो जागरूक भी हैं, नागरिकों को आज ये पता है, तो जिस प्रकार से अरावलीज के अंदर प्रदर्शन चल रहा है ये अपने आप में दर्शाता है कि आमजन की भावनाएं आज हमारे फॉरेस्ट कवर को बचाने के लिए है। और इसके ऊपर अगर सरकार दबाव बनाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना कड़ा जवाब दिया है सरकार को, मगर हम भी इसको अग्रेसिवली आगे। बस अब कल दिग्विजय ने कहा कि आप एलनाबाद से ये चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का, तो क्या तैयारी आपकी, विधानसभा लड़ेंगे या लोकसभा? मेरी प्रेफरेंस लोकसभा, वो भी मैं तो उम्मीद रखूंगा कि संगठन जल्द से जल्द दोबारा ये जिम्मेवारी सौंपे। मगर जहाँ संगठन के निर्णय की बात हो, चाहे वो विधानसभा उतारे चाहे लोकसभा उतारे चाहे वो प्रदेश की 90 में से किसी विधानसभा में जिम्मेवारी दी, ना तो मैं पहले कभी घबराया ना आने वाले जमे में। लोकसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी सीटों पर चुनाव तो डिक्लेयर करो। धन्यवाद।